स्वागत है अर्चूस कुक हाउस में। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी हैलोवीन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ गार्लिक ब्रेड, वो भी बहुत इजी तरीके से। तीन तरह से बताऊंगी किस तरह से गार्लिक बटर तैयार करना है। आप इसे पार्टीज में बनाएं, लंच बॉक्स में ले जाएं, या जब भूख लगे तब बनाकर खाएं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है लहसुन, इसे किस कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ कुल 10 लहसुन लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से किस लिया है। मैंने यहाँ लिया है रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बटर। इसमें मैं मिला रही हूँ ये गार्लिक जो मैंने किस कर ले ली है। ये एक तरीका है गार्लिक बटर तैयार करने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप मार्केट से रेडीमेड गार्लिक बटर खरीद कर ले आएं। और अगर आप चाहें तो नॉर्मल बटर की जगह ये गार्लिक बटर यूज़ कर लें और लहसुन को किस कर उसमें डाल लें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटी हुई थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी ऑरिगेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो ना डालें। और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि नमक बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ब्रेड में भी नमक है, बटर में भी नमक है और ऑरिगेनो में भी नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, तो बिल्कुल ना डालें। और अगर आप नमक डालना भी चाहते हैं अपने स्वाद अनुसार, तो एक बार बटर को ज़रूर टेस्ट करके देख लें, या तो फिर बटर बिल्कुल बिना नमक वाला इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ जो गार्लिक बटर हमने तैयार किया है उसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब दूसरी ब्रेड पर भी हम गार्लिक बटर लगा लेंगे अच्छी तरह से। कोशिश करें कि कम से कम गार्लिक बटर लगाएं, क्योंकि हमें ब्रेड की दूसरी तरफ भी अभी गार्लिक बटर लगाना है। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक चीज स्लाइस। आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर लें। वैसे मेन मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न, थोड़ी सी हरी और लाल शिमला मिर्च। आप चाहें तो एलोपिनो भी डाल दें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है तभी मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये डाल रही हूँ इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। अगर आप स्टफ गार्लिक ब्रेड नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सब्जियां ना डालें, सिर्फ गार्लिक चीज़ ब्रेड बना लें। अब हम ब्रेड की दूसरी तरफ भी थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा देंगे। यहाँ मैंने तवा गरम कर लिया है। अब जिस तरफ मैंने बटर लगाया है उसे तवे के ऊपर रख देंगे, उस साइड को। अब ब्रेड की दूसरी तरफ ऊपरी तरफ भी मैं गार्लिक बटर लगा रही हूँ। और अब इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकने रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी बाकी रेसिपीज अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें ज़रूर देखें। अब हमारा जो ब्रेड है एक तरफ से सिक चुका है, अब इसे पलट देंगे दूसरी तरफ भी। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इस पर। लीजिए, हमारा स्टफ गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आप भी पकाएं और बताएं कैसा बना है। तो अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं और खुश रहें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाते जाइए।